हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट जो कि बेस्ड होगी लीड कोर 75 सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन है उस पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप अगर अपने लीड कोर का जो होम पेज है उस पे आओगे और इस प्रॉब्लम्स वाले जो टैब है इस पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लान के अंदर एक एक कॉलम मिलेगा, ठीक है, जिस पर लिखा होगा लीड कोर 75। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये 75 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी समरी पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 75 इसेंशियल एंड ट्रेंडिंग प्रॉब्लम्स मस्ट डू लिस्ट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन और बेस्ट फॉर 1 to 3 मंथ ऑफ प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज बना ली गई है यहाँ पर, ठीक है। उनको एक्यूमुलेट कर एक जगह पर रख दिया गया है जो कि लीड को 75 के अंडर आता है, ठीक है। तो आप ये स्टार्ट पर जाके स्टडी प्लान को जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम जो है 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं जितने भी हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन देखो ऑलरेडी कर रखे हैं मैंने और कुछ क्वेश्चंस को मैं करूँगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है मस्टरिंग अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाई 1768 मर्ज स्ट्रिंग्स अल्टरनेटिवली, यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड वन एंड वर्ड टू, मर्ज द स्ट्रिंग्स बाय एडिंग लेटर्स इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर, स्टार्ट विद द वर्ड वन इफ अ स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन द अदर, तो अपेंड कर देना है उसको एट द एंड ऑफ द मर्ज स्ट्रिंग और रिटर्न कर देना है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, बट जैसे जैसे आप इस सीरीज को फॉलो करोगे ना तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। देखो जैसे पहले ईजी है, फिर आपके मीडियम लेवल्स, ठीक है, इसमें हार्ड भी होंगे कहीं कहीं पर, शायद हार्ड ही नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। चलो छोड़ो, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है ना। तो सबसे पहले तो भाई बना दो भाई जो रिटर्न करना है, एक आंसर जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी और इसको मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ से मैं इसको करा देता हूँ रिटर्न। अब देखो यहाँ पे मैं कर कैसे सकता हूँ इसको, मेरे को क्या करना है कि इसको एक बार समझते हैं। ये पहला ए बी सी और पी क्यू आर वाला जो ये है, तो देखो मेरे पास है ए बी सी और मेरे पास है पी क्यू आर, ठीक है, और इनको मेरे को क्या करना है, अल्टरनेटिवली मर्ज करना है। तो यानी कि इसको ऐसे करना है कि पहले मैं ए लूँगा, ठीक है, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग का ए लूँगा, देन इस वाली स्ट्रिंग का पी लूँगा, देन यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा आर। तो एक एक करके मैंने पहले इसका लिया फिर इसका लिया, है ना, ऐसे करके अल्टरनेटिव मैं चला और मेरे पास आ गया ए पी बी क्यू सी आर जो कि ए वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको जो है दो पॉइंटर्स की हेल्प से भी कर सकता हूँ, एक पॉइंटर होगा जो इसको ट्रैवर्स करेगा, एक पॉइंटर होगा जो इसको ट्रैवर्स करेगा, बट इसको मैं सिंगल पॉइंटर की हेल्प से भी कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने एक पॉइंटर बना दिया आई जो कि इनिशियलाइज हो रहा है जीरो से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई जीरो ही है ना, और जो मैंने ये आंसर वेरिएबल बनाया इसमें जीरो इंडेक्स पे देखो ये हो जाएगा मेरा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, ए है और पी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहले जो है इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले जो है भाई जो इस वाली स्ट्रिंग का यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग वर्ड है वर्ड वन की जो स्ट्रिंग है उसमें जो पहला कैरेक्टर है पहले उसको ऐड करो, देन इस वाले को ऐड करो, ठीक है, और अपने आई को जो है प्लस प्लस कर दो। तो अब मेरा आई हो गया वन, ठीक है, देन आप बी को ऐड करो, क्यू को ऐड करो, अब आई हो गया टू, देन आप सी को ऐड करो और आर को ऐड करो, और आई जब मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी इनकी लेंथ आ रही होगी, ठीक है, जो भी इनमें से मैक्सिमम लेंथ जो आ रही होगी उनके इक्वल आ गया होगा तो मेरे को स्टॉप कर जाना, ठीक है। तो इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में क्या है, ए बी और पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेंथ अलग अलग है, ठीक है, एक है मेरा ए बी और एक है मेरा पी क्यू आर एस, इस क्यू को मैं इसके नीचे लिखता हूँ पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब इनकी मैं इंडेक्सिंग करूँ तो ये होता है मेरा 0, 1, 2 एंड 3। तो आई मेरा इनिशियलाइज हो रखा है 0 से, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरा ए पी, देन आई की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा तो आई हो जाएगा मेरा 1, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी क्यू। अब आई की वैल्यू देखो मैं इंक्रीज करता हूँ अगर 2 से तो क्या होगा कि भाई जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग है ये तो हो गई ख़त्म, लेकिन ये तो बच गई ना, तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है देखो यहाँ पे जो ये लास्ट के दो वर्ड्स है देखो ये एज इट इज़ ऐड होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, मैंने क्या बताया कि भाई जो आपका वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर दो जीरो से, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वाइल आई लेस देन वर्ड वन की जो लेंथ है वो
या फिर अब देखो मैं यहाँ पे या फिर बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरा एक वर्ड खत्म हो गया तो जो बाकी के वर्ड्स जो बचे हैं उनमें के जो वर्ड्स आएंगे ना ये वाले, उनमें जो ये कैरेक्टर्स आएंगे उसको एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है? तो आई लेस देन आ जाएगा मेरा वर्ड टू डॉट लेंथ। और मेरे को क्या करना है कि भाई आंसर में, या आंसर में आप चेक, आंसर में ऐड करने से पहले आपको चेक भी करना पड़ेगा कि आई लेस देन वन वर्ड डॉट लेंथ अगर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आंसर में आप ऐड कर दोगे। वर्ड वन का जो आई आ रहा है, ठीक है? और इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलरली आप ऐसे भी करोगे कि भाई वर्ड टू का लेंथ से कम आ रहा है तो यहाँ पर मैं जो है वर्ड टू को, मतलब वर्ड टू के जो कैरेक्टर सारे उनको कर दूंगा ऐड, और ऐड करने के बाद अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाना है और रिटर्न कर देना है यहाँ पर आंसर, ठीक है? और इसको एक बार कर देते हैं रन, ठीक है? एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। वैसे मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने जैसे बताया ना आपको कि भाई कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है जिनमें ये टिक लग रखे हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर स्टडी प्लान को जो है स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा अभी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी, देखो मेरा जो पॉइंटर है वो मैक्सिमम कहाँ तक ट्रैवर्स कर रहा है कि भाई जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम लेंथ होगी, तो लेट से कि पहले जो वर्ड है मेरा वर्ड वन उसकी लेंथ एन है और दूसरे वाले की एम है, तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ मैक्सिमम, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ एन कोमा एम, ठीक है? जो भी मैक्सिमम होगा वहां तक मेरा पॉइंटर जाएगा तो वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने करा है इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है? और अभी आने वाली वीडियोस में इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे दो कैटेगरीज भी बना रखे हैं कि ये जो वाली जो कैटेगरी है इसमें आपको एरेज और स्ट्रिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, देन आपको टू पॉइंटर्स के मिलेंगे, देन स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, हैश मैप, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, ठीक है? ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट में क्या है, लास्ट में आपके पास मोनोटोनिक स्टैक, उसके ऊपर इंटरवल्स, ट्राई है ना? तो इन सब क्वेश्चन को हम देखेंगे एक एक करके, और मैं ट्राई करूंगा कि यार वीडियो को जितने शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट रखूं, और जो इनके ब्रूट फोर्स अप्रोच के जो सॉल्यूशंस होंगे उनको मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, उनका कोड नहीं लिखूंगा, बिकॉज उसकी वजह से जो है लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो वो आप देख लेना। मेरा जो एम है वो ये है कि भाई कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।